कर्मचारी धरना दे रहे हैं और जिस तरह से इनके एक साथी की मौत हुई है और दुखदाई मौत कहेंगे कि वो दुखदाई मौत जो हुई है, उसके बाद जो बिजली बोर्ड के जो सारे कर्मचारी हैं वो धरना दे रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि कर्मचारी को इंसाफ मिले, क्योंकि जिस तरह से क्योंकि बिजली तो बंद कर दी गई थी लेकिन उसके बावजूद भी वो जो जनरेटर का वो ले लिया। क्या मांग है आपकी, क्योंकि आपके एक साथी की मौत हुई है, दुखदाई मौत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? यह जिहड़ा जी साडे साथी दी जिहड़ी कल शामी करंट लगन नाल मौत हुई है, ये पिछले महीने दे विच घट्टो घट पंजाब दे विच 12 दे करीब मौतां हो चुकियां ने, जिन्हां दे विच ठेका मुलाजम भी ने, साडे पक्के मुलाजम भी ने। सिस्टम दी घाट, मुलाजमां दी घाट, इस करके ये अनसुखावियां घटनावां वापरदियां ने और मैनेजमेंट वल्लों हमेशा ही यह पल्ला झाड़िया जांदा भी ये फलानी जगह का कसूर सी जां फलानी जगह का कसूर सी। इस करके असीं अपने साथी नूं इंसाफ दवाउण लई जिहड़े इत्थे इकट्ठे होए। क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी सरकार से जो आप कर? इहदे विचों असीं ज्वाइंट एक्शन कमेटी वल्लों आए हैगे आ, जिहड़े असीं पक्के मुलाजम आ, जिवें मैं जेई एसोसीएशन वल्लों आ जां दूजियां साडियां टैक्नीकल सर्विस यूनियन जां होर यूनियनां दे नुमाइंदे आ, असीं इक फैसला कीता गया कि इहनां ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰੋਂ ਸੇ ਵੀ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਕਿਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗੇ ਹੈ ਆਪਕੀ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो कर्मचारी की मौत हुई है, हालांकि वो ठेका कर्मचारी था, लेकिन जो साथियों का कहना है कि उनको पक्के कर्मचारी की तर्ज के ऊपर ही सरकारी नौकरी उनके परिवार को दी जाए और जो मुआवजा है वो भी उनके परिवार को दिया जाए। जो प्रधान है उनसे बात करते हैं, क्या प्रमुख रूप से आप कहना चाहते हैं? देखो जी, हमारे जो बिजली कर्मचारी हैं, ठेकादार मुलाजिम हैं, सीएचपी कर्मचारी हैं, उनके लगातार बिजली का करंट ला के मौतें हो रही हैं। 350 को अंकड़ा पार कर गया इस महीने, 10 ठेका मुलाजमा जो मौत के मुंह में पड़ गए। पर सरकार के साथ एक जुलाई को मीटिंग हुई चंडीगढ़ अपना लुधियाना जलंधर में, वहां हमने कहा कि ये हमारे साथ हादसे हो रहे हैं। 2 तारीख को बिजली मंत्री से हुई, उससे पहले भी कई मीटिंगें जो हो चुकी हैं, उनको बताया कि जो ये हादसे हो रहे हैं इनको कंट्रोल किया जाए। इनके परिवार को कच्ची नौकरी क्यों दी जाती है? कच्ची नौकरी भी नहीं दी जाती। इनके परिवार को इतना कम मुआवजा क्यों दिया जाता है? मतलब हम आज जो बैठे हैं, हमारी डिमांड ये है कि इस परिवार को पक्की नौकरी की गारंटी करें, इस परिवार को कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा दें। जो यहाँ मतलब चल रही है गलबात, हम तो ये कह रहे हैं कि इसका मुख्य दोषी जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, इनके मुख्य दोषी सीएमडी साहब हैं, इनके बात हुई है सरकार के किसी बाशिंदे से आपकी? देखो जी, अभी आए थे निगरान इंजीनियर रोपड़ और अपना सीनियर कार्यकारी इंजीनियर एक्शन है जो खरड़, वो आए थे, वो कह रहे थे 10 लाख रुपया एक्सग्रेशिया दे देते हैं, कह रहे थे इंश्योरेंस का पैसा दे देते हैं, पर उनसे काम थोड़ा ना चलेगा। परिवार का एक मतलब 2.5 साल का लड़का है, क्या वो जो 25-30 साल की लड़की है हमारी, वो इतना 60 साल तक कैसे गुजारेगी? वो 20 साल से वो गुजार लेगी? मतलब ये हम कह रहे हैं कि जो ठेकेदारी प्रथा है वो गलत है, ठेकेदारी सिस्टम को बंद करके पक्की नौकरी देनी चाहिए। जो ठेके से काम कर रहे ठेका मुलाजिम है उनको डिपार्टमेंट, ये कब तक चलेगा आपका धरना? लगातार धरना जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी डिमांड को लागू नहीं करती। दूसरी बात एक और कहनी है कि यहाँ हम धरना लगाई बैठे हैं, पर यहाँ मुख्यमंत्री या इनके कैबिनेट मंत्री एमएलए साहब जो गगन मोल जी है, यहाँ अभी तक नहीं पहुंचे। उनको चाहिए था कि यहाँ आके हमारी बात सुनते कि क्या बात है,
मतलब ये हम इसकी निंदा करते हैं कि अभी तक कोई इनका उच्च अधिकारी नहीं। सरकार से कहीं ना कहीं रोष सरकार के प्रति है, और क्योंकि सरकार का कोई भी नुमाइंदा कहेंगे कि मंत्री कहें या कोई अधिकारी कहें, वो यहाँ नहीं पहुंचे। हालांकि बिजली बोर्ड के अधिकारी यहाँ जरूर पहुंचे थे, रोपड़ से अधिकारी पहुंचे थे, और उन्होंने 10 लाख रूपये एक्सग्रेशिया अमाउंट देने के लिए कहा था, लेकिन जो मुलाजिम है उनकी मांग है कि 50 लाख रूपये उनको मिले, उनके परिवार को मिले, क्योंकि 2.5 साल का बच्चा उनका है और जो पत्नी है 25 साल की पत्नी है, तो उनकी उम्र अभी पूरी उम्र पड़ी है और 10 लाख रूपये में कोई गुजारा नहीं होता, तो 50 लाख रूपये कम से कम मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार को पक्की नौकरी दी जाए। और उनका साथ के साथ ये भी कहना है कि इस महीने के अंदर 10 से ज्यादा कर्मचारियों की मौत हो चुकी है जो कि कच्चा कर्मचारी है, और पूरी अगर मौत की आंकड़ा 300 के पार हो चुका है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सोचने का विषय है। और लगातार जो है वो ये विषय चल रहा है, तो यही है कि जो मौत हो रही है वो दुखदायी मौत है, और इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, और जो पक्के मुलाजिमों को जो बाद में सहायता मिलती है वही जो सहायता है वो कच्चे मुलाजिमों को भी, ठेका प्रथा के जो मुलाजिम है उनको भी मिलनी चाहिए, यही मांग ये रख रहे हैं। और अगर मांगे पूरी नहीं होती तो ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ये लगातार जारी रहेगा। लगातार करंट के दौरान हादसे हो रहे हैं, 350 को आंकड़ा पार कर गया, और इस महीने में 10 ठेका कर्मचारियां हैं जो CHP हैं उनकी मौत हो चुकी है। इसी तरह जो हमारा सतविंदर सिंह था उनकी करंट लग के डेथ हो चुकी है। हम परिवार को इंसाफ दवाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारा मांग ये है कि परिवार को इंसाफ दिया जाए, उनके परिवार को पक्की नौकरी की सरकार गारंटी करे, उनके परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा तय करे, उनके परिवार को पक्की पेंशन की गारंटी करे, और दूसरा ये है कि जो इसका मुख्य दोषी है, यहाँ का प्रबंध है कठिया सिस्टम है, और यहाँ का जो मुख्य दोषी CMD और मुख्यमंत्री है, क्योंकि लगातार हमारे हादसे वापर रहे हैं। 1 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री साहब से, और 2 तारीख को बिजली मंत्री से हुई थी, 2 जुलाई को और 1 जुलाई को मुख्यमंत्री से। हमने वहां उनको बताया था कि हमारे जो हादसे हैं लगातार वापर रहे हैं, पर उन्होंने कोई ठोस हल है जो नहीं कर रहे, लगातार मीटिंगा सरकार के साथ हो रही हैं, हादसे वापर रहे हैं, पर जो मसला हल होना चाहिए वो नहीं कर रहे। अभी यहाँ कोई अधिकारी या कोई नेता आया आप लोगों से मिलने के लिए और कोई मांग रखी? जो अधिकारी आए थे सवेर के, मतलब एक्शन साहब आए और जहाँ SC साहब आए और प्रशासन अधिकारी थे SHO था, उनसे हमारी बात हुई है कि उन्होंने कहा है कि मतलब जो हुआ है गलत हुआ है, पर हमारी ये डिमांड है कि क्या सरकार पक्की नौकरी क्यों नहीं दे सकती, जब 43,000 वो भगवंत मान साहब कह रहे हैं कि हमने 43,000 नौकरी देनी है, फिर इस परिवार को पक्की नौकरी क्यों नहीं दी जा सकती? दूसरा ये है कि इस परिवार को कानून मुताबिक मुआवजा क्यों नहीं दिया जा सकता, इस परिवार को पक्की पेंशन की गारंटी क्यों नहीं दी जा सकती, मतलब कई। दूसरा ये है कि SDM साहब दफ्तर के जनरेटर जरा बैक करंट आया, जबकि मतलब वहां से पीछे से सप्लाई जो बिल्कुल बंद थी, पर जो ये हादसा हुआ है सरकार और मैनेजमेंट की निगली के कारण हुआ है, वो सरकार इसका जो जिम्मेवार मुख्यमंत्री और CMD साहब है। तो आपका जो धरना है ये कैसे जारी रहेगा, या कोई बातचीत होगी तो फिर आप इस धरने को खत्म करेंगे? देखो जी, हमारा लगातार धरना जारी रहेगा, हम तब तक संस्कार नहीं करेंगे जब तक हमारी जो डिमांड्स है वो पूरी नहीं होती, जब तक परिवार को नौकरी पेंशन मुआवजा तय नहीं होता तब तक ये धरना वगैरह जारी रहेगा। दूसरा ये हमारी मांग है कि सरकार ठेकेदारी प्रथा को बंद करके, ठेकेदारी सिस्टम को क्लोज करके बंद करके, उसको मतलब समूह जो ठेकेदार तो कर्मचारी हैं CHP काम है उनको डिपार्टमेंट में लेके रेगुलर कर। ਹਰਿਆਰ ਜੀ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ,
ਮੈਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, ਸੀ ਐਚ ਪੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਘਟੀਆ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਾਮੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ, ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਖੈੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੇਰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ MLA, ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੰਨ ਤੇ ਯੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ, ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਘੋਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਲੂਗਾ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਬੈਕ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, 5 ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਰੰਟ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਲਏ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, CMD ਨੂੰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਮਹੀਨੇ 12-13 ਅੰਕੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਲਗਾਤਾਰ 12-13 ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੋ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਮੰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ, ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇਵੇ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਫੇਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਹ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਿਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ 50 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਬੰਦੇ ਦੀ 26 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 56 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਠੇਕੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।